भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। गोंडा में दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स ने सीएचसी अधीक्षक पर परेशान करने का लगाया आरोप। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में एक साल में ओमिक्रॉन के 300 वेरिएंट मिले, चीन ने बॉर्डर खोले। पुतिन ने अकेले मनाया क्रिसमस, पहली बार इस दिन मॉस्को में रहे सैनिकों के समर्थन के लिए चर्च को धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के एक निजी होटल में समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मंत्री विनोद कुमार सिंह के जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के सपा नेता सहित कई बड़े नेताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी में काबा बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर अपनी कविता कही। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वह तो मायावी मंत्री हैं, छापेमारी पर तो जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको अस्पताल, डॉक्टरों और दवाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। स्वेटर पहन ले, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एक शोध का विषय है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी एक मायावी मंत्री हैं जो छापे पर तो जाते हैं, छापे के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री एक जिम्मेदारी का पद है, आप ज़रूर जाइए, छापे पर जाइए, टी शर्ट जैकेट भी दीजिए, लेकिन बाद में क्या डॉक्टर उपलब्ध हैं, क्या दवाएं उपलब्ध हैं, क्या सरकार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं, क्या मजबूत हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें भाजयुमो अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता से बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में यंग इंडिया रन कार्यक्रम के निमित्त अतरौली विधानसभा में 5 किलोमीटर दौड़ का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पूरे जनपद से लगभग 500 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि यह दौड़ थाना पाली से प्रारंभ होकर टोची की बगिया पर समाप्त होगी, जिससे पूरे जिले से हम युवाओं के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और गांव-गांव जाकर सूचना दे रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, और एक सामूहिक दौड़ हम कराएंगे और यह कार्यक्रम हम विधानसभा अतरौली में करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इकट्ठा करके और हम दौड़ाएंगे। कितने लोग रहेंगे तकरीबन? लगभग टारगेट हमारा 500 का है, और जिस तरीके से लगातार इस महीने और 12 जनवरी तक बहुत सारे कार्यक्रम किए अटल प्रतियोगिता की, इसी एक क्रम में 12 जनवरी जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर युवा आगे बढ़ता है, इस देश में का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है, उसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि उस दिन युवाओं के लिए ही एक कार्यक्रम समर्पित करें, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ जो जिला इकाई युवा मोर्चा की अपने गोंडा में पूर्व मंत्री विनोद कुमार और पंडित सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी पहुंची। वहीं मीडिया से बात करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि वो अभी अगले 10 साल भोजपुरी के लिए काम करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भोजपुरी बचाओ आंदोलन के तहत भोजपुरी में फैली अश्लीलता को दूर करना चाहती हैं। गांधी को देखने नहीं गई थी यार, इस बात मैं भारत जोड़ो यात्रा को देखने और समझने गई थी कि जिस यात्रा की इतनी चर्चा हो रही है, उस यात्रा में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हो रही है, तो मैं उस यात्रा को देखने और समझने गई। लोग एनर्जेटिक लग रहे थे और अच्छा लगा, मतलब देख के लग रहा था कि लोग काफी उत्साही है, एनर्जेटिक है।
गाजियाबाद के लोनी में चना बालू खनन का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। बड़े ट्रक नियम का उल्लंघन कर बड़े स्तर पर बालू खनन का कारोबार कर रहे हैं, साथ ही ओवरलोड वाहनों से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहीं परिवहन विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वहीं खनन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हरदोई में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि युवती को शरीर जला हुआ है, वहीं लोगों में सनसनी फैल गई है। इसका पता होते ही एसपी राजेश द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर वारदात से जुड़े पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की। उनका कहना है कि शव को कहीं से लाकर फूंका दिया गया है। फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला हरियावा थाने के डगरहा गांव का है। शव ऑलमोस्ट पूरा जल चुका है, वो थोड़ा ही पहचान में आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मैरिड लेडी है थी, और किसी ने उसको मृत अवस्था में यहाँ ला करके जलाया है। यहीं पास पुआल है, उसको डाल करके अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। एकता समाज सेवा समिति ने समाज सेवी नौशाद के सहयोग से गरीबों को रजाई और कंबल बांटे, जिसमें पत्रकार विनीत अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि संस्था का लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 200 लोगों तक उनके जरूरत के हिसाब से रजाई पहुंचाने का है। इसके लिए संस्था के प्रत्येक सदस्य के द्वारा लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो जरूरतमंद है। मोहल्ला पड़ता है अमरोहा में, वहाँ पर एक सामाजिक संस्था है एकता समाज सेवा समिति, जो काफ़ी समय से चल रही है और मैं भी उसके साथ जब से वो बनी है उसके साथ फाउंडर मेंबर के रूप में हूँ। जब से वो खड़ी हुई है तब से उस संस्था के साथ हूँ। हमारे एक साथी भी थे गुड्डू भाई, जिनका इंतकाल हो चुका है, जो आज दुनिया में नहीं है। वो और हमारी पूरी टीम ने ये संस्था खड़ी की थी। इसके अध्यक्ष फिलहाल मोहम्मद आरिफ हैं। मोहम्मद आरिफ और उनकी टीम ने मिलकर के हमीरपुर के जिला अधिकारी को श्री काशी परिषद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिषद में आयोजित एक कार्यक्रम में रुद्राक्ष की माला और काशी विश्वनाथ जी की स्मृति चिन्ह देकर सांस्कृतिक भूषण सम्मान से सम्मानित किया। बता दें कि यह सम्मान जिला अधिकारी को एक महीने पहले अपने कोर्ट के आदेश को संस्कृत भाषा में देने के लिए दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी की कोर्ट में राठ कोतवाली क्षेत्र के गिरवर गाँव निवासी अनुसूचित जाति के किसान संतोष कुमार ने एक वाद दाखिल किया था, जिसमें वो अपने जमीन गांव के गैर जाति के लोगों को बेचना चाह रहा था। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले की जांच एसडीएम राठ से करवाने के बाद उसे जमीन बेचने की परमिशन दे दी है। संस्कृत भाषा में दिया, और संस्कृत भाषा देव भाषा है और हमारे इस राष्ट्र की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। उस प्राचीनतम भाषा में एक शासकीय व्यक्ति के द्वारा, एक जिलाधिकारी के द्वारा नीतिगत निर्णय दिए जाना, ये हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तो उसी से हम सब जितने भी संस्कृत भाषा के प्रेमी हैं, संस्कृत जगत में एक हर्षोल्लास का माहौल बना और हमारे मन में एक विचार आया कि काशी विद्वत परिषद की ओर औरैया के इरवा कटरा विकास खंड के गेस्ट हाउस में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जहां राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मुकुट सिंह शाक की अध्यक्षता में कई गांव के ग्रामीणों को कपकपाती सर्दी से बचाव के लिए आज कई सारे कंबल वितरण किए गए। साथ ही बाकी बचे जरूरतमंद ग्रामीणों की सूची तैयार की गई है, जिनको जल्द से जल्द कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला मंत्री किसान मोर्चा शैलेंद्र भदौरिया, अतुल त्रिपाठी, गोलू त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।